हाय फ्रेंड, मैं हूँ मानिक मंडल। मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड फ़ोन का टेक्नीशियन हूँ। तो फ्रेंड, मेरे पास एक आज फ़ोन आया है, एजी सेवन मैक्स का है। ये पार्ट नंबर जो है दिखाता हूँ, SM GS615F डॉस। ये जो फ़ोन है, इसमें जो प्रॉब्लम है, ये यूएसबी नॉट वर्किंग में। देखिए, हम यूएसबी पोर्ट लगाते हो कंप्यूटर के साथ, देखिए क्या लिखाता है, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये जो प्रॉब्लम है, ये पोर्ट में प्रॉब्लम है। तो हम ये फ़ोन को डिसअसेंबल करता हूँ, उसके बाद इसको कैसे सोल्यूशन करता है वो देखाता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड देखिए, ये जो दो डायोड लगा है, ये वाला ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा कम्युनिकेशन है। ये आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये दो सप्लाई ज़रूरत है। तो एक सप्लाई तो वो चार्जिंग पिन के साथ कनेक्ट हो रही है, लेकिन एक जो है ये ट्रैक मिसिंग था। तो क्या कर रहा था, हमें ये डायोड उठा दिया और डायोड के पास जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दिया था, तो पॉजिटिव से हम जो चार्जिंग जो पिन है उसमें हम जम्पर लगा दिया। देखिए बोर्ड में, ये बोर्ड देखिए, बोर्ड जो पिन एक तो ट्रैक मिसिंग नहीं था, और दूसरा एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के एक साइड में मिसिंग था। ये वाला जम्पर लगा दिया देखिए, और जम्पर लगाने के बाद जो प्रॉब्लम है वो एक टाइम पे तो कोई डेटा कुछ सपोर्ट नहीं करा था, ओनली डेटा नॉट रिकॉग्नाइज लिखा आया। देखिए अभी हम जो है सेटिंग पूरा असेंबली करके दिखाता हूँ कंप्यूटर में। तो फ्रेंड देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ, जिस टाइम पे हम ये डेटा केबल लगाया था, लेकिन तो फ्रेंड उस टाइम पे क्या हुआ, जिस टाइम पे हम डेटा केबल लगाया था, लेकिन डेटा केबल नॉट रिकॉग्नाइज लिखा आया, डेटा जो फ़ोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं देखा। लेकिन अभी देखिए, ये है गैलेक्सी जी सेवन मैक्स है, अभी ये देखिए ऑनली एक ट्रैक मिसिंग था जो डेटा लाइन का, वो हम जंपर लगा दिया और सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। जय हिंद।